संभल के चंदौसी में आज हिंदू जागरण मंच के मेरठ प्रांत की दो दिवसीय बैठक कैथल गेट में स्थित श्री भारत सैनी धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें 14 दिसंबर को मुरादाबाद में आयोजित होने वाले बलिदानियों की माटी को नमन होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। इस कार्यक्रम में संभल, मुरादाबाद और रामपुर जिले के उन शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाएगा जो कारगिल युद्ध या उसके बाद किसी युद्ध में शहीद हुए हैं। इस कार्यक्रम में परवेंद्र सिंह शेखावत प्रांत अध्यक्ष, गोपाल प्रांत संगठन मंत्री व रितेश बंसल क्षेत्रीय संगठन मंत्री शामिल हुए। इस भाव को जगाने के लिए हिंदू जागरण मंच अपने 4 कार्यक्रम इस पूरे प्रांत में कर रहा है। बलिदानियों की माटी को नमन, तो क्योंकि समाज के अंदर ये भाव जागृत हो और लाइव रहे आदमी, क्योंकि आदमी में सब भगवान करेगा ईश्वर करेगा ऐसा ना करके सब लाइव रहे और आदमी सैनिकों के साथ में उनका जो ना इनटचमेंट रहे, उनके साथ में इनबिल्ट रहे वो, क्योंकि जब कोई सैनिक बलिदान होता है तो कई बार समाज के अंदर से ही कुछ लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और ये बड़ी ही ऐसी असंवेदनशील बात होती है उस समय पर। जैसे कि सैनिक तो होते ही पेड़ हैं, उनका काम यही है, इस तरीके की आवाज़ भी समाज के अंदर से उठती है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की ओर जो अंदर का समाज है वो कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखता कि हम आंतरिक सुरक्षा के तौर पर अपना काम करें। तो इसलिए हिंदू जागरण मंच क्योंकि आंतरिक सुरक्षा विषय पर ध्यान रखता है और उसके लिए समय समय पर सरकार के को भी कई बार आगाह करता है कि आंतरिक सुरक्षा में कोई भारी चूक ना हो जाए, तो इसी विषय को लेकर के 4 कार्यक्रम इस प्रांत में होने जा रहे हैं। उसका एक कार्यक्रम मुरादाबाद में भी है 14 दिसंबर का, तो उसके अंदर 4 जिले हैं, मुरादाबाद जिला, महानगर, संभल, रामपुर और अपना अमरोहा भी इसमें, मुरादाबाद महानगर, मुरादाबाद जिला, संभल और रामपुर, 4 इकाई हमारी उसके अंदर हैं। तो एक बड़ा कार्यक्रम, भव्य दिव्य कार्यक्रम होने जा रहा। माननीय इंद्रेश जी उसके अंदर मुख्य अतिथि रहेंगे और गुरु पवन सिन्हा जी मुख्य वक्ता रहेंगे उसके अंदर। ऐसा एक कार्यक्रम बना है और सैनिकों के साथ में, क्योंकि कुछ दिनों बाद जब सैनिक बलिदान होकर आता है, उसका शव आता है, तब तो एक बड़ी, आपने देखा होगा, एक बड़ी यात्रा निकलती है, सब लोगों का समूह उसके साथ रहता है। चूँकि ये हमारी परंपराओं के अंदर इनबिल्ट है, बहुत समय से हमारे देश की सेना में जब कभी बहुत, अगर पुराने प्राचीन इतिहास में भी जाएंगे तो सैनिकों के साथ में आदमियों का एक बड़ा जुड़ाव रहता था और इसीलिए उसी जुड़ाव के कारण ये लंबी बड़ी सब यात्राएं निकलती हैं। लेकिन बाद में हम बलिदानियों को भूल जाते हैं और उनको उनके रहम पर उनके साथ में उनको छोड़ दिया जाता है और उसके साथ में आदमियों का इंटचमेंट कम हो जाता है और उनका जो समर्पण हुआ, जो मान सम्मान हुआ, वो समाज के अंदर स्थापित हो, वो उसके अंदर उत्तरोत्तर वृद्धि रहे। हिंदू जागरण मंच का जो मुख्य उद्देश्य है वह है आंतरिक सुरक्षा। तो सुरक्षा का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे ये केवल सैनिकों का काम है, तो ये जो आंतरिक सुरक्षा है, ये सुरक्षा है केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है, ये आम जनमानस की जिम्मेदारी भी है, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। यदि सेना के जनता और सरकार कान और आँख बनकर यदि खड़े हो जाएं, तो किसी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान, बड़ी से बड़ी सुरक्षा में सहयोग हो सकता है। तो बलिदान जब होता है बॉर्डर पर सैनिक, अभी हमने ऐसा सोचा है कि जो कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध और उसके बाद जो बलिदान हुए सैनिक सीमा पर, घुसपैठ के कारण, आतंकवादी घटनाओं के कारण, पुलवामा घटनाओं के कारण, पाकिस्तानी सेना के सीजफायर के कारण, तो ये जो बलिदान हुए हमारे सैनिक, वो जब यहाँ अपने घर स्थान लौटकर आता है तो पूरा जन समूह जनमानस खड़ा हो जाता है, लेकिन ये जो संवेदनाएँ वो चंद दिनों में समाप्त हो जाती हैं। ये संवेदनाएँ जीवन भर जब तक वो परिवार है, अगल बगल समाज, गाँव, गली मोहल्ले के लोग उस परिवार के साथ खड़े रहे, समाज खड़ा रहे, क्योंकि उसने इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया है, समर्पण किया है, देश के लिए प्राण जैसी चीज उसने बलिदान की है, तो वो हमारी आस्था का विषय है, बलिदान हमारे सम्मान का विषय है। तो समाज का हमेशा उसके प्रति सम्मान बना रहे, इसलिए इस बार हिंदू जागरण मंच ने
17 नवंबर को मेरठ में जिमखाना मैदान में बलिदानियों की माटी को नमन ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में मेरठ जिला महानगर लक्ष्मीनगर जिसे हम मुजफ्फरनगर भी कहते हैं, बागपत, शामली, सहारनपुर जिला महानगर ऐसे 7 जिलों के समाज के लोग और उस क्षेत्र में जो बलिदानी हुए उनके परिवारों को सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो जनरल वीके सिंह अपने सेना प्रमुख रहे हैं, अभी वर्तमान में केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री हैं, वो उस कार्यक्रम